हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जिस कंपनी से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं, एक तो फंडामेंटली काफ़ी साउंड कंपनी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है, एज वेल एज़ कभी भी आपको स्प्लिट की न्यूज़ मिल सकती है और शेयर प्राइस तो भाग ही रहा है इसका, और बहुत अच्छा इसका आपको रिटर्न मिल सकते हैं आगे भी, जैसे कि इसने पिछले टाइम भी दी है। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, बट बिफोर दैट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार को, जो आपका खुद का चैनल है, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे। एज वेल एज़ हमारी इस वीडियो को भी लाइक कमेंट शेयर करिए, और अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो फ्री में आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा, ये नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करिएगा। ओके, आपका फ्री में डीमैट अकाउंट, नंबर वन ब्रोकिंग फर्म, एंजल ब्रोकिंग, जीरो डिलीवरी चार्जेस, बहुत अच्छा कस्टमर सर्विसेज, एज वेल एज बहुत अच्छा एप्लीकेशन, सेबी रजिस्टर जो कि मेन है, और फ्री में डीमैट अकाउंट, और इनके अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज भी काफ़ी कम है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जिस शेयर से रिलेटेड बातें कर रहा हूँ, सबसे पहले तो रिटर्न्स दिखाना चाहूँगा। आज के दिन में जहाँ पर मार्केट डाउन गई थी, ये शेयर शुरू से ही भाग रहा था, लगभग 4% के रिटर्न्स आज के दिन में दिए हैं। एक साल की बात करें तो 67% के रिटर्न्स आप देख सकते हैं, 2 साल में 157, 3 साल में 173, 4 साल में 341, और 5 साल में लगभग 650% के रिटर्न्स इस कंपनी ने दिए। ये कंपनी पिछले 3, 4, 5 महीने से कंसोलिडेशन फेज पर चल रही है, और अब ये कंपनी भागने की पूरी कोशिश कर रही है, और ये बहुत जल्दी बहुत अच्छा भागेगी भी, रिटर्न्स भी देगी। स्प्लिट जो इनका प्लान स्प्लिट है, जो वो भी शायद आपको मिल सकता है। तो इसी से रिलेटेड ये वीडियो भी है, और आपको बताना चाहता हूँ, कंपनी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, केवल 5 साल हुए, और ऐसी ही कंपनी होती है जो कि आपको फ्यूचर में स्प्लिट बोनस बोनस और ये सारी की सारी चीज़ें देती है, और इसने आज तक कुछ भी नहीं दिया है, ना स्प्लिट दिया है, ना बोनस दिया है, बस डिविडेंड देती आई है हर साल। तो कंपनी ऐसी ही जो फंडामेंटली साउंड होती है, वही सब चीज़ ऐसा देती है। तो आइए पहले तो मैं आपको परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ। देखिए, 52 वीक लो की बात करें तो 24 मार्च को 476 रुपीज़ का शेयर था। ओके, और 3 महीने के अंदर अंदर ये शेयर लगभग 1400 रुपये तक पहुंच गया था, मतलब इतनी इसमें इसने जंप दिखाई थी कि लगभग आपके पैसों को 3 और 3.5 गुना कर दिया था। अगर बात करें 20% की डिलीवरीज आज की डेट में उठाती हुई मिल रही है। अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो यहाँ पर अभी मैं आपको आगे दिखा दूंगा। देखिए, बट डिविडेंड अगर दिखा देता हूँ तो देखिए, 15 रुपये का डिविडेंड एज वेल एज 12 रुपये का डिविडेंड 2019 में दिया है, तो डिविडेंड भी कंपनी अच्छी दे रही है। और यहाँ पर देख लीजिए, प्रमोटर का 73.4% की हिस्सेदारी है, जिसमें से कोई भी शेयर गिर भी नहीं है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ओके, एज वेल एज अगर हम बात करें तो किस कंपनी की बात कर रहा हूँ, सबसे मैं दिखा देता हूँ आपको जो कंपनी की बातें कर रहा हूँ, मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस आज के दिन में देखिए 48 पॉइंट की जंप देखी गई है। अगर हम एयरटेल 1 ईयर का अगर चार्ट पैटर्न यहाँ पर देख लेते हैं, तो काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर हमें सब चीज़ नज़र आ रही है। यहाँ पर देखिए, लगभग 900 रुपये का शेयर गिर के इतने पे आया, और फिर जो इसने जंप दिखाई है, तो लगभग 1400 रुपये के आसपास ये शेयर गया था। उसके बाद देखिए, ये जो ये पीरियड है ना, पूरा लगभग 5-6 महीने का जो पीरियड है, 6 महीने का, ये पूरा कंसोलिडेशन फेज में गया है, बट इसने अब जंप लेनी शुरू करी है। और ये आप के जो ये जो यहाँ पर है 1400 के आसपास, देखिए लगभग 10%, 5-6% की है, ये तो जंप दिखाएगी दिखाएगा। और इनका जो प्लान मैक्सिमम अगर मैं दिखा दूँ, देखिए कंपनी को आए हुए भी ज़्यादा है, 2011 में यहाँ पर से यहाँ पर हम देख रहे हैं। ओके, 2011 से 175 रुपीज़ का शेयर था, जो कि इस भागना अब शुरू किया है। और गोल्ड फाइनेंस में देखिए, सबसे अच्छा शेयर यही है। एज वेल एज हम अगर बात करें तो देखिए, इसके नए टारगेट भी दिए हैं। ICICI डायरेक्ट ने लगभग इसका टारगेट कितना दिया है, 1470 रुपये, 1470 रुपीज़ का टारगेट यहाँ पर दिया गया है। और अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए, स्टॉक स्प्लिट की जुलाई में यहाँ पर न्यूज़ थी, जिसकी वजह से जो कि स्टॉक भागा भी था, बट स्टॉक स्प्लिट नहीं हुआ, ने उन्होंने अपना प्लान कैंसिल नहीं किया, इन्होंने अपना प्लान पोस्टपोन कर दिया। और अभी देखिए, दोबारा से शायद आपको ये जो न्यूज़ थी, जो कि कैंसिल हो गई थी, जिसकी वजह से ये जो शेयर था कंसोलिडेशन फेज पे, ये देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया था, चला गया था, अब ये दोबारा इसी वजह से जंप मार रहा है। शायद अब जो इनके प्रमोटर्स हैं, जो इनके डायरेक्टर्स हैं, CEOs हैं, CIO है, जो ये शायद अब इस डिसीजन पर आए, और आपको बहुत अच्छा एक जो होता है ना स्प्लिट, वो आपको मिल जाए। अगर हम इसकी बात करें शेयर्स की, तो देखिए ये शेयर्स केवल गोल्ड में ही बिजनेस नहीं करता है, और मुथूट फाइनेंस इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ डाइवर्सिफाइड इंटरेस्ट इन द फील्ड ऑफ
फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, रियल इस्टेट, प्लांटेशन, फॉरेन एक्सचेंज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन, हॉस्पिटलिटी एट्सेट्रा, मतलब बहुत सारे इनका जो पोर्टफोलियो भी है वो भी डाइवर्सिफाइड है। और जो इस हिसाब से स्प्लिट की न्यूज़ आ रही है, अगर स्प्लिट मिला 1:5 का मिलेगा तो इसके कॉम्पिटिटर में आपको पता ही है मन्नापूर्णम है जो दूसरी कंपनी है, तो अगर 1:5 में अगर ये डिवाइड हुआ तो आप देखा अगर 4,500 का भी शेयर हुआ तो 300 के आसपास आ जाएगा ये शेयर। और फिर आपको जिस हिसाब से बढ़ता हुआ नज़र आएगा वो आप आइशर मोटर से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे आइशर मोटर 2,000 पे आया, 2,000 से आज लगभग 2,500-2,600 रुपये चल रहे हैं। मार्केट कैपिटल काफ़ी अच्छी है, मार्केट कैपिटल लगभग 50,000 रुपये की, 50,000 करोड़ रुपए की इसकी मार्केट कैपिटल है। ओके, और आरओसी ही इसकी लगभग 16% की अभी दिखा रखा है। ओके, वो 14 के पी पे ये शेयर आपको मिल रहा है। अगर मैं आपको बता दूं सीएजीआर तो देखिए लगभग 35% के सीएजीआर से लगभग 5 साल से ये बढ़ता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और हमेशा मैं आपको बताता हूं अगर कोई 30% से ज़्यादा से या 30% से बढ़ता है तो 10 लाख रुपये आपके 30 साल में 100 करोड़ रुपए में तब्दील होते हैं। तो ऐसी ही कंपनियों में चूज़ करनी है जो कि आगे भी इस तरीके के रिटर्न्स दे, ताकि आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो एज वेल एज आपकी वेल्थ क्रिएट हो, जो इसके लिए हम शेयर बाज़ार में आते हैं। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं तो सेल्स देख लीजिए 1580 करोड़ रुपये के, जो 2017 दिसंबर में यहाँ पर सेल्स थी वो बढ़ के लगभग 2583 करोड़ रुपए की हो गई है सितंबर में, जो कि हर एक साल से अभी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी देखिए 479 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट, अभी कितना 894 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट से बढ़ता है। मतलब ये कंपनी बढ़ती जा रही है, पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है। तो और ये वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी भी है एज ए गोल्ड फाइनेंस। अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए क्वार्टरली बेस ईयरली बेस पे, तो 2009 में सेल्स लगभग 616 करोड़ रुपए की थी, जो कि अभी बढ़ के अगर 12 महीने की बात करें तो 9,689 करोड़ रुपीज़ का हो गया है। अगर हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट की ही भी बात करें तो नेट प्रॉफिट आप यहाँ पर देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट कितना 3,365 करोड़ रुपए, जो कि 2009 में कितना था 98 करोड़ रुपए। तो देखिए किस तरीके से इसने परफॉर्मेंस दिया। तो ऐसी कंपनी में ही हमें अपना पैसा लगाना चाहिए। अगर बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत है। रिजर्व्स देखिए 321 करोड़ रुपए के रिजर्व्स 2009 में थे, ओके, जो कि बढ़ते बढ़ते कितना हो गया 12,795 करोड़ रुपए के अभी सितंबर क्वार्टर में, जो कि अभी नया क्वार्टर आएगा तो शायद और भी बढ़ता हुआ नजर आए। बोराइंग की बात की जाए 3,166 करोड़ रुपए का बोराइंग था, जो कि अभी बढ़ के 42,157 करोड़ हो गया। तो बोराइंग तो देखिए इनका बिजनेस ही बोराइंग का है, तो इसलिए इसमें घबराने की आपको कोई बात नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट देखिए 3,439 करोड़ रुपए का यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रहा है। एज वेल एज कैश इक्विवेलेंट की बात की जाए तो 5,609 करोड़ रुपए का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। एसेट भी इनके देखिए बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो इनके पास है देखिए थोड़ा माइनस में है, कोई नहीं, वो भी पॉजिटिव में बहुत जल्दी आ जाएगा। अच्छी फंडामेंटली साउंड कंपनी है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 73.4% की होल्डिंग है, जो कि कंटिन्यूस सेम ही है। लगभग फॉरेन इन्वेस्टर लगभग 13.92% की हिस्सेदारी रखती है। डोमेस्टिक अगर DIS की बात करें तो 7.71% की हिस्सेदारी यहाँ रखते हैं। अगर हम पब्लिक की बात करें तो 4.97% की हिस्सेदारी ही पब्लिक के पास है। बट अगर ये शेयर आपने लंबे टाइम तक रख लिया ना तो बहुत अच्छा बेहतरीन रिटर्न्स आपको बना के देगा, आपकी वेल्थ को क्रिएट करके ये शेयर देगा। 10 साल रख लीजिए, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इनका है ही, बहुत मजबूत कंपनी है, वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी है। न्यूज़ देखिए 1470 का टारगेट अभी दिया ही गया है, जो कि अभी लगभग 1300 रुपये के आसपास कंपनी चल रही है। ओके, 170 रुपीज़ का अभी भी जंप इसमें कभी भी, मतलब एक साल के अंदर अंदर कभी भी आ सकती है। तो काफ़ी मजबूत कंपनी है, और स्प्लिट की भी आपको शायद न्यूज़ जल्दी सुनाई पड़ जाए। तो आइए, ये तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है एंजल बुकिंग के साथ, फ्री में आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और हमारे इस चैनल बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस ऐसी वीडियो मिले। और आप लाइक करिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़िए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।